करती हूँ। तुम रोशन और आरव तो ठीक है ना? सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जरूरी बात? एएम को तुम खुद बताओगी या मुझे बताना पड़ेगा? क्या बताना? एएम, पिछली बारी आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था और मैं नहीं जानता कि इस बार आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, पर इस डर से अब मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ यहाँ, और ये आपसे प्यार करने का सिर्फ नाटक। ए महाना ने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी मॉम को चोट पहुंचा सके। पापा, अब आप ही मेरी मदद करो कि कैसे मैं अपनी शादी को रोशनी, रिहान और मॉम से बचाए रखूं। मॉम को मुझसे प्रॉब्लम है, नफरत है। मैं कुछ भी कर लूं, कहीं भी चली जाऊं, मॉम मुझसे कभी भी खुश हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, तुम पूरे साल जो है वो पढ़ना भूल क्यों जाती हो? तो आप याद क्यों नहीं दिलाते हो? हाँ, याद क्यों नहीं दिलाते हो? तुम्हें तो गलती मेरी हो गई। तो आज से ना मैं तुम्हारे खाने में ना कंकर डाल दूंगा। पापा मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दादाजी थे ना, जब मैं छोटा सा था तो मुझे कहानी सुनाते थे। देखो ये राजा था, उसको ना उसके दुश्मनों ने मार दिया, तो राजा की रानी जो थी ना वो अपने छोटे बेटे के खाने में ना हर रोज कंकर डाल दिया करती थी, क्योंकि उसे हर रोज याद रहे कि उसे अपने पिता के दुश्मनों से ना बदला लेना है। वो छोटा बच्चा ना जब बड़ा राजकुमार बना ना तो उसने अपने पिता के दुश्मनों को बदला लिया और उन्हें मार दिया। That's interesting. It's not only an interesting story. इसमें बहुत बड़ी सीख है। वो सीख ये है कि हम कुछ भी पाना चाहें ना पा सकते, बस एक ही बात की जरूरत है कि तुम्हारे मकसद को ना हर दिन याद रखो, हर दिन उसके बारे में सोचो, तभी ना उसे पूरा करने के लिए ना हर दिन कोशिश करेंगे, फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा अब देर हो गई है, सो जाओ। ओके पापा, कंकड़ वाला खाना तो नहीं खा सकती, लेकिन एक तरीका है रोज याद रखने का। आज मैं खुद से एक वादा करती हूं कि मेरी शादी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं ये रिश्ता पूरे दिल से निभाऊंगी। मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, रोशनी और आरव की दोस्त बनने की कोशिश करूंगी। हर दिन हर हाल में मैं इस शादी को और मजबूत करूंगी। क्या बात है रोशनी? डैड, एक्चुअली आज रात ना मेरे सारे फ्रेंड्स दिया के घर पे रुक रहे हैं मेरे बर्थडे के लिए, मैं जा सकती हूँ ना? रोशनी तुम जानती हो मुझे किसी भी चीज के लिए तुम्हें ना बोलना पसंद नहीं है, फिर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछती हो? डैड बस एक रात की तो बात है। रोश, बात एक रात की नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट कि तुम किसी और के घर पे रहो, प्लीज अंडरस्टैंड। यू नो व्हाट डैड, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इट्स रियली रियली फाइन। तुम दोनों रीमादी को बाय करने क्यों नहीं आए? मैं तो आने वाला था, पर ये रोशना डैड से गुस्सा है। गुस्सा क्यों? क्या हुआ रोशनी, क्यों गुस्सा? कुछ नहीं। रोश को दिया दी के तू चुप बैठ आरव, आहाना मेरे से बात कर रही थी ना,
तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ? तो फिर तुम मुझे बता दो, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। वो न रोश के सारे फ्रेंड्स आज दिया दी के घर पर आने वाले, पर डैड ने इसे अलाउ नहीं किया। घर लौट आओ रेहान, बात हो गया। ए, मैं तो घर अभी वापस आना चाहता हूँ। आप सबकी बहुत याद आती है, पर ये मैं आपसे, अगर तुम आना के बारे में सोच रहे हो तो जो हुआ उसे भूल जाओ, वो सब भूल चुकी है, उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता था। बात क्या है रेहान, मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होंगे, पर शायद तुम आप जानते भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूं। तुम भी घर लौट आओ, प्रॉब्लम क्या है? लैला आनंद से शादी करना चाहती थी और कर लिया आना ने, अपनी माँ के हाथ से लड्डू छीनकर खा गई वो लड़की। रेहान बात क्या है? प्रेम अब मुझे पढ़ाई पूरी खत्म करने के बाद ही कर रहा हूँ। पढ़ाई, इसकी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? ये मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया और अब मुझे अपना MBA खत्म करना चाहिए। पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है रेहान, घर लौट आओ रेहान। एनीवे, कल लैला के यहाँ लंच है और तुम भी आ रहे हो। लैला के यहाँ क्यों? बोल, उसने फैमिली लंच रखा है और सबको बुलाया, और तुम्हारे बिना मेरी फैमिली अधूरी है। बिल्कुल, वैसे भी लैला बुलाए और मैं ना जाऊं ऐसा हो सकता है? अच्छा यार, अभी रह। दी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही है। लगता है घर वालों को बहुत खुश करके रखा है तुमने, क्या बात है। थैंक यू। वेलकम। वैसे आपको लगता है कि घर में सब बहुत खुश हैं? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? शायद कोई खुश नहीं है। कौन? रोशनी। उसने तुमसे कुछ कहा? आपको लगता है रोशनी अपने पापा के बारे में कभी शिकायत कर सकती है? नेवर। तो फिर क्या बात है? अनंत, तुमने रोशनी को मना किया दिया के घर रात को रुकने से, अब बताओ खुश कैसे होगी? ये ऑफिस से आना, रोशनी दिया के घर रात गुजारना चाहती है, वहां कौन कौन होगा हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। हाउ कैन आई लेट हर गो? अनंत, रोशनी की एज की सब लड़कियां नाइट स्टे करती हैं, अपने दोस्तों के यहाँ रात को रुकती हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है, हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता। अकेली लड़की है, अगर वहां उसे कुछ हो जाए तो? उसको कुछ नहीं होगा, क्या हो सकता है? दिया का घर हमारे घर जैसा ही है, उसके भी पेरेंट्स हैं, ध्यान रखते हैं, समझते हैं। अनंत, बात सिर्फ नाइट स्टे की नहीं है, बात है रोशनी के अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की, वक्त गुजारने की। ये जो वक्त गुजरता है इससे मेमोरीज बनती हैं जो पूरी जिंदगी याद रहती हैं। और रोशनी अब बच्ची नहीं है, 19 साल की हो गई है। तुम उस पर रोक टोक लगाओगे, वो बिना बताए बाहर जाएगी, छुप छुप के चीजें करेगी, तब तुम क्या करोगे बताओ? मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। एग्जैक्टली, तुम रोशनी पर रोक टोक मत लगाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उस पर यकीन करते हो, फिर देखना वो तुम्हारे भरोसे के लायक बनने की पूरी कोशिश करेगी और सब कुछ करेगी जो तुम कहोगे। आना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अपने मन के लिए नहीं, रोशनी के मन के लिए, जाने दो प्लीज।
इतनी नाराज हो के मुझे मिलने भी नहीं आई। तो चलो फिर ड्राइव पे चलते। नहीं डैड, आज कहीं जाने का मूड ही नहीं है। ओ, तो दिया के घर पे रहने का प्लान बदल दिया। तो चलो फिर चलते। आप सच में मुझे दिया के घर रात रहने का परमिशन दे रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा मजाक करके मरना है क्या मुझे? चलो सीरियसली बोल देता हूँ, तुम दिया के घर रह सकती हो। थैंक यू डैड, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे डैड हो। ये थैंक यू का मेडल मुझे नहीं मिलना चाहिए। सच तो ये है कि मैं तो तुम्हें भेजना ही नहीं चाहता था, लेकिन आना ने मुझे समझाया कि आजकल ये आम बात है, तो ये थैंक यू आपको आना को बोलना चाहिए। क्या बात है पापा, आपने तो एक ही दिन में चमत्कार कर दिया। जो रोशनी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, आज उसने मुझे गले लगा लिया। ऐसा लगता है अच्छे वक्त में मुझे गले लगा लिया। थैंक यू पापा। मैं दिया को बोलती हूँ, दिया पागल हो जाएगी। ओके बेटा, हैव फन। Guess what? तू आ रही है? हाँ, डैड मान गए। Oh my God, सच? पर दिया मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर डैड को सच पता चल गया तो? अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया, तो इस बार डरने की बारी मेरी होगी। सौरव, सौरव मुझे डैड को झूठ बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, और मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। पर तुम झूठ कहाँ बोल रही हो? तुम तो दिया के घर आ रही हो। यहाँ से हम डेट पे चले जाएंगे। सब कुछ सेट है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, जल्दी से आ जाऊंगी मैं। ओके बाय। लगता ही नहीं है कि हम हनीमून से वापस आ गए। जब तक तुम रोमांस के बहाने ढूंढते रहोगे, तब तक हमारी जिंदगी में हनीमून कभी खत्म नहीं होगा। ग्रेट। वैसे अनंत माथुर, आप बहुत स्मार्ट हैं। क्यों? रोशनी बाहर गई तो तुमने यामिनी जी को आरव के साथ मूवी देखने भेज दिया। वेरी स्मार्ट। ये आइडिया मेरा बिल्कुल नहीं था। मूवी देखने का प्लान यामिनी जी का था। वैसे यामिनी जी बहुत समझदार है, मौके की नजाकत और मेरी जरूरत को अच्छी तरह समझती है। अनंत माथुर, तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्यों, क्या हुआ? अपनी वाइफ के सामने दूसरी औरत की तारीफ, वेरी बैड। अरे मैं तो बस वो, इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो मलिका ए महल गुलाम सजा के लिए तैयार है, हुक्म कीजिए। तो मलिका के हुक्म का इंतजार कीजिए। मैं सालों बाद अपने आप को फिर से जिंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ये एहसास कभी खत्म ना हो। रिहान, तुम? ये महाना ने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी मॉम को चोट पहुंचा सके। ये जानती थी कि लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती है। आना, ये सच है कि नहीं? आना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ या ना? रिहान, उठ जा। क्या कर रही हो? कमान कर, अब कर, अब कर। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए कबाब बनाए और तुमने उन्हें छुआ तक नहीं है। नॉट फेयर। तुम किचन में थी? फायर अलार्म कैसे नहीं बजा? प्लीज, ओके, मैंने जितनी बार कुछ भी बनाया ना, तुम हमेशा उंगलियां चाट गए हो। सो डोंट टेल मी, ओके? खाओ। नहीं, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच बाबा, अभी बिल्कुल भूख नहीं है।
पेट भरा है या दिमाग? क्या मतलब है तुम्हारा? रिहान, तुमने जब से इस आहाना के बारे में रिसर्च करना शुरू किया ना, तुम तब से खोए खोए रहते हो। और जब से वो लैला रायचंद तुमसे मिलके गई, तुम तब से परेशान हो। सो डोंट टेल मी कि देयर इज नथिंग। बेवकूफ नहीं हूं मैं। रिहान, क्या बात है बताओ ना। लुक, अगर तुमने कुछ गलत भी किया ना, क्या मतलब है गलत किया यार? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है व्योमा, कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता हूँ। सब सच जानने के बावजूद मैंने एम को कुछ नहीं बताया, और वो मां बेट सच तो यही होता कि मैं एम को सब सच बता देता। हैंग ऑन, क्या सच, क्या बोल रहे हो तुम? लुक व्योमा, जस्ट प्लीज जाने दो यार। नो रिहान, तुम इस तरह इस टॉपिक को नहीं जाने दे सकते। तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना, इट्स ओके, ऑलराइट? अगर एम को सब सच बताने से तुम हल्का फील करोगे तो प्लीज गो फॉर इट। यार व्योमा, एटलीस्ट तुम इस तरह बेचैन तो नहीं रहोगे? यार व्योमा, मैं अपने चैन के लिए एम को परेशान नहीं कर सकता हूँ। एक बार करके देख चुका हूँ मैं। घर छोड़ना पड़ गया था मुझे यार। अब सब ठीक चल रहा है और मैं एम को फिर से परेशान नहीं कर सकता यार। आई कांट डू इट। रिहान, तुम किसे चोट पहुंचाने से बचा रहे हो? हाँ, एम को या खुद को? क्या मतलब है तुम्हारा? लुक, तुम इसलिए सच बताने से डर रहे हो कि एम को दुख होगा, या फिर इसलिए कि वो नाराज होकर तुम्हें अपने से दूर कर देंगे? हाँ, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ। कहाँ जा रहे हो अब? एम को सच बताने। एम आना ने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी मॉम को चोट पहुंचा सके। ये जानती थी कि लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती है। आना, ये सच है कि नहीं? आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब सच नहीं कह रहा है। आना, ये सच है या नहीं? हाँ या ना? मैं सालों बाद अपने आप को फिर से जिंदा महसूस कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगी कि ये एहसास कभी खत्म ना हो। यहां तुम रोशन और आरव तो ठीक है ना? सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई जरूरी बात? एम को तुम खुद बताओगी या मुझे बताना पड़ेगा? क्या बताना है? तुम क्या कह रहे हो रेहान? एम, पिछली बार आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था, और मैं नहीं जानता कि इस बार आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, पर इस डर से अब मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे सच बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं एम, और ये आपसे प्यार करने का सिर्फ नाटक। रेहान, ये महाना ने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी मॉम को चोट पहुंचा सके। ये जानती थी कि लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती है, इसीलिए इसने आपसे रिश्ता जोड़ा और फिर आपसे शादी कर ली। आना, बोलो आना, क्या ये सच है? ये जो सब कह रहा है सब सच नहीं है। मैं जानती थी कि मॉम तुमसे शादी करना चाहती थी क्योंकि पैसों के लिए, लेकिन मैंने इसलिए शादी नहीं की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। ये झूठ कह रहा है, ये सब सच नहीं कह रहा, तुम झूठ कह रहे हो। आना, ये सच है कि नहीं? आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब सच नहीं कह रहा है। बात ये नहीं, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की है। आना, ये सच है या नहीं? हाँ या ना? काश तुमने मुझे ये सच पहले बताया होता। या तुमने मुझे ये सच बताया ही नहीं होता। मैंने तुम दोनों से इतना प्यार किया और तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, ये सिला दिया मेरे प्यार का। गॉड, रिवाइन
जहांगीर की शर्ट पे। Let me take care of it. Bill. किसी से झूठ नहीं बोलना, बस सच नहीं बताना है। ऐसे सच से भी क्या काम है हम जो किसी की खुशी बर्बाद करते हैं। पार्टी की परमिशन किसने दी तुम्हें? आना ने मनाया था अंकल को, रोज को मेरे घर रुकने के लिए। आना ये चाहती है कि तुम घर से बाहर निकलो, उसका भज चले तो आरव को वो पार्टी करने भेज दे। उसने मेरे साथ भी ये किया, मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि एम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके वो। पार्टी की परमिशन किसने दी तुम्हें? आना ने मनाया था अंकल को, रोज को मेरे घर रुकने के लिए। आना ये चाहती है कि तुम घर से बाहर निकलो, उसका भज चले तो आरव को वो पार्टी करने भेज दे। उसने मेरे साथ भी ये किया, मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि एम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके वो।